किसानों के मसीहा कहे जाने वाले सर छोटू राम की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। इसी बीच कैथल में भी सर छोटू राम की जयंती पर किसानों ने छोटू राम की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर किसानों ने कहा कि सर छोटू राम सभी वर्गों के नेता हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मजदूर और मेहनती किसान के लिए न्यौछावर कर दिया। इन्हीं की बदौलत ही हरियाणा को भाखड़ा का पानी मिला था। इसके साथ उन्होंने प्रदेश के कमजोर वर्गों के हितों में हमेशा कार्य किया है। देखो, छोटू राम किसान मजदूर के मसीहा हुए हैं, उन्होंने किसान मजदूर के लिए आंदोलन किए, लड़ाई लड़ी है और आज देश को उनके विचारों की जरूरत है, क्योंकि आज हमारा देश बहुत बड़ा आंदोलन लड़ रहा है। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है। शायद इतना बड़ा आंदोलन ना कभी हुआ ना आगे होगा कभी। इसलिए मैं किसानों से और मेरे मजदूर भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा, भाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अपने इस आंदोलन में भाग लें और हमारे जो पूर्वज हैं छोटू राम जी, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर अपने किसानों की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर सहयोग करें और इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ ताकतवर होकर आंदोलन लड़े, एकजुट होकर, ताकि जो तानाशाह शासक मोदी है उसको थोड़ा बहुत ज्ञान आ सके। भाई आपने जनता ने आपको चुना था और जनता सड़कों पर है। मैसेज देना चाहते हैं, जैसे दादा सर छोटू राम ने किसान कमेरा को बचाने के लिए इतना संघर्ष किया है और आज ये सरकार हमें उजाड़ने पर तुली हुई है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और तीन काले काल उन्हें वापस करें और ये किसान मजदूर दोबारा से जिंदा रहने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे मांग तो कुछ नहीं रहे, हम तो यही कर रहे हैं, हमें जिंदा रहने दो, ये जैसे हम जी रहे हैं ऐसे जीने दो, काले कानून वापस ले। आज ये छोटू राम जी सर छोटू राम करनाल रोड पे जो नए बस स्टैंड के पास है, यहाँ किसानों को क्या मैसेज? किसानों का मैसेज ये है, जो अपना धरना चला हुआ है दिल्ली, वैसे ही जाते रहें, जैसे अब तला दिन 10 आदमी बग्गे 10 आदमी हर बगड़ में थे जा रहे हैं, इस तरह ही 1 साल लागो 2 साल लागो आप ही मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाली पीढ़ी ये पूछेंगी, मैं जब देश आज़ाद करवा लिया था तो आप काले कानून भी नहीं खत्म करवा सके, आने वाली पीढ़ी हम क्या कहेंगी। सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुँचें और अपने काले कानून वापस कराएँ और आने वाली नस्ल और फसल को बचाएँ। आपको बता दें कि सर छोटू राम हमेशा ही किसानों के हित के लिए कार्य करते थे। एक किसान का बेटा होते हुए छोटू राम देश के किसानों के हितों के रखवाले थे, जिसके लिए वे गरीब और जरूरतमंद किसानों की भलाई हर एक राजनीति, धर्म और जात पात से ऊपर उठकर करते थे। पंजाब के सी टीवी चंडीगढ़ के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।